हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ऑफ थिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर मिशन। इसके अलावा हम एनाटॉमी ऑफ सन, नासा का पार्कर सोलर प्रोब और इसरो का आदित्य L1 मिशन के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोलर ऑर्बिटर मिशन अर्थ से 10 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ है एटलस 5 रॉकेट के द्वारा। यह केप कनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ है। इस मिशन की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है ₹11,700 करोड़। कंपैरिजन के लिए इसरो का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसकी कॉस्ट थी लगभग ₹450 करोड़। इस मिशन के जो मेन गोल हैं वो है सन को हाई लैटिट्यूड से ऑब्जर्व करना, सन के पोल की फोटोग्राफ लेना और हीलियोस्फीयर को इन्वेस्टिगेट करना। हीलियोस्फीयर का मतलब होता है वो सारा स्पेस जहाँ तक सोलर विंड का इन्फ्लुएंस होता है। यह मिशन प्राइमरली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, पर इसमें नासा का भी पार्टिसिपेशन है। इसमें लगभग 18 कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं अलॉन्ग विथ मैनी इंडस्ट्री पार्टनर्स। सोलर ऑर्बिटर का जो मास है वो लगभग 1800 kg है, इसमें से 209 kg साइंस पेलोड का मास है। सन जो कि एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है। सन का फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगर हुआ था, जब जो मॉलिकुलर डस्ट क्लाउड था उसका ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ। सेंटर में मास की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुआ। सन अर्थ के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। सन एक नियरली परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा है। सन का जो करंट मास है वो हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25%। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। सन के अंदर जो इंटरनल कन्वेक्टिव मोशन होता है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है डायनमो प्रोसेस की वजह से। जैसा कि अभी हमने देखा, इस मिशन का जो स्टडी ऑब्जेक्ट है वो है सन। तो सबसे पहले हम सन की एनाटॉमी यानी उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सन का जो सेंटर है वहाँ पर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस सेंटर को हम कोर बोलते हैं। इस कोर के जो ऊपर वाला रीजन है वो रेडिएटिव जोन होता है, जहाँ पर जो सन के कोर में एनर्जी प्रोड्यूस हुई होती है वो स्लोली प्लाज्मा के थ्रू डिफ्यूज़ करती है। रेडिएटिव जोन के जो ऊपर वाला जोन है वो कन्वेक्टिव जोन होता है, जहाँ पर प्लाज्मा की रैपिड हीटिंग और कूलिंग होती है, जिसकी वजह से कन्वेक्टिव करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। कन्वेक्टिव जोन के ऊपर वाली लेयर को हम कोरोना बोलते हैं। यह सन का आउटर एटमॉस्फेयर कहलाता है, ये जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक आउटर स्पेस में भी एक्सटेंड करता है। इस कोरोना से कभी कभी बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एमिट होता है। इस इजेक्शन को हम कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। सन की जो कोरोना है उससे कंटिन्यूसली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम रेडिएट होती है, इसे हम सोलर विंड बोलते हैं। सन का जो विजिबल सरफेस है वो फोटोस्फीयर कहलाता है। इसके जो ऊपर वाली लेयर है उसे हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पर जो प्लाज्मा की डेंसिटी होती है वो सडनली बहुत ज़्यादा गिर जाती है। फोटोस्फीयर में जो डार्कर और कूलर एरियाज दिखते हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उन्हें हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। सन के सरफेस से जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। अब हम सन और अर्थ का एक ब्रीफ कंपैरिजन देखते हैं। सन का जो साइज़ है वो अर्थ की साइज़ से कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। सन का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स बड़ा है। सन के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं सन के करोनों का यानी कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सन के कोर यानी कि सेंटर में टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सन अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था और सन की जो आधी लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है। सन से जो सनलाइट है वो अर्थ पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। सन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, पर ये रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो लेटिट्यूड वाइज वेरी करता है। इक्वेटर पे 25 डेज लगते हैं, वहीं पोल्स पे 36 डेज लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट होने में। सन को मिल्की वे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर 11 साल में फ्लिप हो जाता है, यानी कि उसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। जो अर्थ पे बिगेस्ट सोलर स्टॉर्म रिकॉर्ड किया गया है वो 1859 में किया गया था। वहीं जो लार्जेस्ट सन स्पॉट अर्थ से मेजर किया गया है वो 1947 में किया गया था और इसका जो एरिया है वो 35 टाइम्स अर्थ के एरिया से बड़ा था। अभी तक लगभग 12 मिशन्स लॉन्च किए जा चुके हैं सन को स्टडी करने के लिए। इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी उलिसिस मिशन से और 2020 में सोलर ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया है। विंड, सोहो, स्टीरियो, प्रोबा 2, SDO, आयरिस, पार्कर सोलर प्रोब
और सोलर ऑर्बिटर मिशन अभी करंटली एक्टिव मिशन हैं सन को स्टडी करने के लिए। ओलिसिस मिशन है वो सन के पोल्स के ऊपर से पास किया था, पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा था और ओलिसिस के इक्विपमेंट में कोई कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से जो सन का पोलर रीजन है उसकी कोई फोटोग्राफ नहीं ली जा सकी। अब हम देखते हैं कि सोलर ऑर्बिटर मिशन बाकी के मिशन से कैसे डिफरेंट है। इस मिशन में हाई लैटिट्यूड ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट रहेगा, वहीं दूसरी तरफ बाकी के लगभग सभी मिशन्स में सन के इक्वेटोरियल प्लेन में ऑर्बिट होता है। इस मिशन में पहली बार सन के पोलर रीजन की फोटोग्राफ ली जाएगी। इस मिशन में नई हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजीज़ का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस मिशन में पहली बार होगा कि यूरोप का कोई स्पेसक्राफ्ट मरकरी के ऑर्बिट के अंदर जाएगा। इस मिशन से हमें स्पेस वेदर की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इस मिशन में चार मेजर रिसर्च एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा। पहला एरिया है मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें स्टडी किया जाएगा कि सन का मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और इसका कैसे प्रोपोगेशन होता है कोरोना के थ्रू आउटवर्ड स्पेस में। जो सेकंड एरिया ऑफ रिसर्च है वो है स्पेस वेदर का, इसमें स्टडी किया जाएगा कि जो सडन सोलर फ्लेयर्स होते हैं और कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं उसका सोलर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इन सोलर इरप्शंस में जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो कैसे अर्थ के अराउंड एक्सट्रीम स्पेस वेदर को प्रोड्यूस करते हैं। जो थर्ड रिसर्च एरिया है वो है कि जब सन की मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी फ्लिप होती है तो उसका सन के पोलर रीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो फोर्थ रिसर्च एरिया है वो है कि सोलर विंड कैसे प्रोड्यूस होती है और सोलर विंड पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन कैसे होता है। इस मिशन में अर्थ और वीनस की ग्रेविटी को यूज़ करके स्पेसक्राफ्ट को सन के अराउंड हाई लैटिट्यूड ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये मिशन का जो मेन पार्ट है वो नवंबर 2021 में शुरू होगा और दिसंबर 2026 के बाद मिशन का एक्सटेंडेड पीरियड शुरू हो जाएगा। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 ईयर पीरियड में स्पेसक्राफ्ट 22 टाइम्स सन के अराउंड ऑर्बिट कर लेगा। सोलर ऑर्बिटर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट करेगा। ये सन के काफ़ी नज़दीक पहुंचेगा, 42 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पे। यहाँ पर जो हीट है वो 13 टाइम्स ज़्यादा होगी जो कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने में महसूस करती है। इससे बचाने के लिए एक हीट शील्ड को लगाया गया है। यह हीट शील्ड 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर को झेल सकती है। यह हीट शील्ड इस पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सन की हीट से डैमेज से बचाएगा। दूसरी तरफ जो सोलर अरेज हैं उनको भी रोटेट करके सन डैमेज से बचाया जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट में टोटल 10 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 4 इनसीटू इंस्ट्रूमेंट्स और 6 रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनसीटू इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये इमीडिएट सराउंडिंग में चीज़ों को ऑब्जर्व और मेज़र करेगी, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा मैटर को। और रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब दूर से चीज़ों को ऑब्जर्व करेगी, जैसे कि सन के कोरोना में क्या हो रहा है। सोलर ऑर्बिटर मिशन और नासा का पार्कर सोलर प्रोब दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री मिशंस हैं। दोनों के डेटा सेट को मिला के हमें कंप्लीट पिक्चर मिलेगी कि सन कैसे वर्क करता है और इन फंडामेंटल प्रोसेसेस का अर्थ के अराउंड जो स्पेस वेदर है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। दोनों ही वीनस की ग्रेविटी को यूज़ करके सन के काफ़ी नज़दीक पहुँच पाएंगे। जो पार्कर सोलर प्रोब है वो अभी तक सबसे कम दूरी पर पहुँचेगा सन के, वो है 6.2 मिलियन किलोमीटर्स। इसके पास 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा, एनर्जेटिक पार्टिकल्स और सोलर विंड को स्टडी करेंगे। ये पहला मिशन होगा जो सन के कोरोना के थ्रू ट्रैवल करेगा और वहाँ के एनर्जी फ्लोज को रिकॉर्ड करेगा। इन मिशन से जो हमें नई नॉलेज गेन होगी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमें सोलर स्टॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने में और फ्यूचर में स्पेस वेदर को प्रेडिक्ट करने में। ये सोलर स्टॉर्म हमारी टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, पावर ग्रिड्स और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिससे पावर ब्लैकआउट हो सकता है, कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं और कोई कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं कैरिंगटन इवेंट 1859 में, जब टेलीग्राफ सर्विसेज फेल हो गई थी, और 1989 में क्यूबेक में सोलर स्टॉर्म की वजह से पावर ग्रिड फेलियर हुआ था। नासा का जो स्टीरियो ए स्पेसक्राफ्ट है वो कोरोनल मास इजेक्शन की चपेट में आ गया था। ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में मैन्ड मिशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस को प्लान करने में हेल्पफुल रहेंगी। इंडिया का जो फर्स्ट मिशन है सन को स्टडी करने के लिए वो है इसरो का आदित्य-L1 मिशन। इस मिशन को 2020 के एंड में लॉन्च किया जाएगा PSLV-XL रॉकेट के द्वारा। इसमें स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पॉइंट पर स्टेशन किया जाएगा। यह 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। इस पोजीशन का जो मेजर एडवांटेज है वो है कि यहाँ से सन का कंटिन्यूस व्यू मिलेगा विदाउट एनी इंटरप्शन फ्रॉम इक्लिप्सिस।
लैग्रेंज पॉइंट वो पोजीशन है जहाँ पर जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो लार्ज बॉडी का एक स्मॉलर बॉडी पे, वो उस बॉडी पर पड़ने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, जिसकी वजह से स्मॉलर बॉडी की पोजीशन रिलेटिवली हमेशा सेम रहती है। आदित्य-L1 मिशन सन की कोरोना, क्रोमोस्फियर और फोटोस्फियर को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करेगा। ये आदित्य-L1 अपने इमीडिएट सराउंडिंग में जो पार्टिकल फ्लक्स है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसे भी रिकॉर्ड करेगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।